चैप्टर 3 दुर्घटना। जब मैंने सुबह में अपनी आंखें खोली तो कुछ अलग था। यहाँ रोशनी थी, हालांकि यह अब भी भूरे हरे रंग की रोशनी जंगल के ऊपर के बादलों में थी, लेकिन यह किसी तरीके से साफ थी। मुझे एहसास हुआ कि मेरी खिड़की को ढकने वाली कोई धुंध नहीं थी। मैं कूदकर बाहर देखने के लिए गई और फिर डर के मारे मेरी चीख निकल गई। बर्फ की एक अच्छी परत ने यार्ड को ढक लिया था। मेरे ट्रक के ऊपर और सड़क पर बर्फ की चादर बिछ गई थी, लेकिन यह सबसे बुरा हिस्सा नहीं था। कल से सभी बारिश जमकर ठोस हो गई थी। शानदार भव्य पैटर्न और ड्राइववे के पेड़ पर सुई जैसी कोटिंग हो गई थी। ये खतरनाक बात थी। वैसे ही जमीन सूखी होने पर मुझे गिरने में पर्याप्त परेशानी नहीं थी, पर अब बिस्तर पर वापस जाना ही मेरे लिए सुरक्षित हो सकता है। नीचे उतरने से पहले चार्ली काम के लिए चले गए थे। कई तरीकों से चार्ली के साथ रहना सबसे सही था। मेरा अपना स्थान था, अब मुझे इससे अकेलेपन का नहीं बल्कि अकेले रहने का एहसास होता था। मैंने जल्दी में सीरियल का एक कटोरा और पैकेट से कुछ नारंगी का रस निकाल लिया। मैं स्कूल जाने के लिए उत्साहित थी और इससे मुझे डर भी लग रहा था। मुझे पता था कि यह उत्साह इसलिए नहीं क्योंकि स्कूल में मुझे कुछ नया एक्साइटिंग सीखने को मिलेगा या नए नए बने दोस्तों से मिलने का मौका होगा, बल्कि यह उत्साह तो इसलिए था कि एक बार फिर मैं एडवर्ड कॉलिन से मिलूंगी, और ये बहुत ही स्टूपिड रीजन था। मुझे अपने दिमाग विहीन और शर्मनाक बकबक के बाद पूरी तरह से इस हिस्से को टालना चाहिए। मुझे उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, खास तौर पर अब जब मुझे पता है कि कल मैं क्या बकवास किए जा रही थी। पर मेरा शक करना भी तो सही था, आखिर उसने अपनी आंखों के बारे में मुझसे झूठ क्यों कहा। मुझे अब भी ये सोचकर डर लग रहा था कि आखिर उसने अब मेरा इतने खुले दिल से स्वागत क्यों किया। मेरी बोलती बंद हो जाती है जब मैं उसके त्रुटि रहित परफेक्ट चेहरे को देखती हूँ। हालांकि मैं जानती हूँ कि मेरी दुनिया और उसकी दुनिया कभी मिल नहीं सकती, इसलिए आज की मुलाकात को लेकर मुझे उत्सुक नहीं होना चाहिए। मुझे अपनी पूरी एकाग्रता का इस्तेमाल करना पड़ा अपनी ट्रक तक जाने में, क्योंकि सड़क पर बहुत बर्फ थी और इस कोशिश में मैं ट्रक तक पहुंचते पहुंचते गिरने वाली थी, पर मैंने उसका आईना पकड़कर खुद को बचा लिया। ये तय था कि आज का दिन किसी बुरे सपने की तरह होने वाला था। पूरे रास्ते ड्राइव करते समय मुझे खुद का ध्यान भटकाए रखना पड़ा ताकि मैं एडवर्ड कॉलिन के बारे में न सोचूं, और इसलिए मैं माइक और एरिक के बारे में सोचती रही। और मुझे इस बात का एहसास हो गया कि ये टीनेज बॉय सब एक से ही होते हैं। वहाँ फीनिक्स में भी सब ऐसे ही थे। शायद कुछ फर्क था तो बस ये कि वहाँ जब सब मेरे पास से गुजरते थे तो उनकी निगाह में जवानी से त्रस्त युवा की सोच दिखती थी। या ये भी हो सकता है कि यहाँ ये लोग मुझे ऐसे इसलिए देखते हैं क्योंकि इनके लिए मैं नई एक चमकता खिलौना हूँ, जो यहाँ के लिए आम बात नहीं थी। शायद यहाँ मेरी फूहड़ता मेरी कमी नहीं बल्कि कुछ नई हरकत लगती थी लोगों को। जो भी वजह हो, माइक का कुत्ते के बच्चे की तरह का व्यवहार और एरिक का उसके लिए ईर्ष्या मेरे लिए अजीब था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मुझे नज़रअंदाज हुए जाना ज़्यादा पसंद था या नहीं। जब मैं ट्रक से बाहर आई मुझे समझ आया कि मुझे ड्राइव करने में क्यों दिक्कत नहीं आई। कोई चमकीली चांदी जैसी चीज से मेरी आंखें चमकने लगी। मैं ट्रक को पकड़े पकड़े उसके पीछे गई ताकि मैं फिसल ना जाऊं, और मैंने टायर को देखा। वहां पतली पतली क्रिस क्रॉस पैटर्न में पतली चेन लगी थी जो हीरे जैसे आकार बना रही थी। चार्ली सुबह जल्दी उठे थे, कितनी जल्दी पता नहीं, ताकि वो टायर पर चेन लगा सकें। अचानक मेरा गला रून सा गया। मुझे आदत नहीं इस बात की कि कोई मेरा ख्याल रखे, और चार्ली का ये बिना बताई चिंता ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं अपने ट्रक के पिछले टायर के पास खड़ी थी और उस भावना की लहर को थामने की कोशिश कर रही थी जो मेरे मन से होती हुई मेरी आंखों तक आ गई थी। पर तभी मुझे कुछ अजीब सी आवाज आई, टायर के खिसटने की दिल दहला देने वाली अजीब सी आवाज जो कि लगातार बढ़ती जा रही थी। मैंने ऊपर की तरफ देखा और मैंने देखा कि कई चीजें एक साथ हुई और कुछ भी स्लो मोशन में नहीं हो रहा था जैसा मूवी में दिखाते हैं, बल्कि मेरे एड्रेनलिन रश में मेरा दिमाग और तेजी से काम करने लगा था और मैं ये साफ साफ देख सकती थी कि सारी चीजें क्या हो रही थी। एडवर्ड कॉलिन मुझसे चार गाड़ी दूर खड़ा था और मेरी तरफ डर से देख रहा था। उसका चेहरा उन बाकी शौक लगे चेहरों की समुद्र से बिल्कुल अलग दिख रहा था।
पर दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो हो रही थी वो यह थी कि एक गहरे नीले रंग की वैन जो कि स्किड कर रही थी, उसके ब्रेक से उसके टायर लॉक थे और जो पार्किंग के दूसरी तरफ से फिसलती हुई आ रही थी, ये मेरे ट्रक के ठीक पिछले हिस्से से टकराने वाली थी और उन दोनों के बीच में मैं खड़ी थी। मेरे पास इतना समय भी नहीं था कि मैं आंखें बंद कर सकूं। इससे ठीक पहले कि मुझे वैन की खुद से टकराने की आवाज़ सुनाई दे, कोई चीज़ मुझसे टकराई, बहुत तेज़, पर उस दिशा से नहीं जहाँ से मुझे उम्मीद थी। मेरा सर किसी चीज़ से टकराया और मुझे कुछ ठोस ठंडी चीज़ का मुझे ज़मीन पर झुकाए जाना महसूस हुआ। मैं ज़मीन पर उस गहरे रंग की गाड़ी के पास पड़ी थी जिसके पास मैंने अपनी ट्रक पार्क की थी, पर मुझे कुछ और देखने या समझने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो वैन अब भी मेरी तरफ आ रही थी। वो किसी भी हालत में मेरे ट्रक से टकरा ही जाएगी और वो अब भी फिसल रही थी और घूम रही थी और दोबारा वो मुझसे टकराने वाली थी। पर मुझे यह एहसास हो गया था कि कोई मेरे साथ था और यह आवाज़ तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती थी। दो लंबे सफ़ेद हाथ मेरे सामने फैल गए मुझे बचाने के लिए और वो वैन मेरे चेहरे के एक फुट की दूरी पर रुक गई और उन सफ़ेद हाथों ने उस वैन पर गड्ढा बना दिया और फिर उसके हाथ इतनी तेज़ी से हिले कि सब कुछ धुंधला नजर आया। एक हाथ तो उस वैन के निचले हिस्से पर पड़े थे और कोई चीज़ मुझे दूर घिसट रहा था और मेरे पैर किसी गुड़िया की तरह झूल रहे थे जब तक कि वे उस गहरे रंग की गाड़ी से नहीं टकरा गए। किसी मेटल के आपस में टकराने की आवाज़ आई और वो वैन रुक गई, उसके शीशे फूट गए और वहाँ गिरे जिस जगह एक सेकेंड पहले मेरे पैर थे। एक पल की लंबी खामोशी और फिर बहुत से शोर की आवाज़ आने लगी। मुझे एहसास हुआ एक से ज़्यादा लोग मेरा नाम चिल्ला रहे थे, पर उन सब चीख पुकार के बीच मुझे एडवर्ड कॉलिन की धीमी आवाज़ आई, बेला क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, मैंने अनजान आवाज़ में कहा। मैंने बैठने की कोशिश की पर मुझे एहसास हुआ कि उसने अपनी मजबूत लोहे जैसी पकड़ से मुझे थाम रखा था। ज़रा संभल कर, उसने कहा जब मेरा संतुलन बिगड़ा। मुझे लगता है तुम्हारे सिर पर काफ़ी चोट आई है। मुझे अपने बाएं कान के ऊपर अजीब सी धक धक महसूस हुई। आओ, मैंने हैरानी से कहा। वही मुझे लगा था, उसकी आवाज़ आई ऐसी जैसे कि वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा हो। तुम कैसे? मैंने सोचना शुरू किया और दर्द को दूर रखने की कोशिश की। तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गए? मैं तुम्हारे पास ही खड़ा था बेला, उसने कहा और एक बार फिर वह गंभीर दिखने लगा। मैंने फिर से बैठने की कोशिश की और इस बार उसने मुझे बैठने दिया और मेरी कमर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और जितनी जल्दी हो सके उसे मेरी कमर से हटा लिया। मैंने उसके चेहरे के भाव को देखा जो एक बार फिर अलग सा दिखने लगा था और उसके सुनहरे आंखों से मेल नहीं खा रहा था। मैं उससे क्या पूछ रही थी? और फिर उन्होंने हमें ढूंढ लिया। लोगों की भीड़, चिल्ला चोट चेहरे पर, बहुत से आंसू भरे चेहरे जो एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, हम पर चिल्ला रहे थे। हिलना मत, किसी ने आदेश दिया। कोई टायलर को वैन से बाहर निकालो, किसी और ने कहा। बहुत कुछ हो रहा था एक साथ। मैंने उठने की कोशिश की पर एडवर्ड के ठंडे हाथों ने मुझे नीचे धका दिया। कुछ देर यहीं रहो। पर मुझे ठंड लग रही है, मैंने बोला। मुझे देखकर हैरानी हुई कि वो अपने सांस के नीचे से हंस दिया। तुम वहां खड़े थे, मुझे अचानक याद आ गया और उसकी हंसी रुक गई। तुम अपनी कार के पास खड़े थे, अचानक उसके चेहरे पर सख्त भाव आ गए। नहीं, मैं नहीं था। मैंने तुम्हें देखा था, आसपास बहुत शोर हो रहा था, मैं सुन सकती थी कि कुछ बड़े लोग वहां आ गए थे, पर मैं तो ये बहस आगे करना चाहती थी। मैं सही थी और उसे इस बात को मानना ही होगा। बेला, मैं तुम्हारे पास ही खड़ा था और मैंने तुम्हें ड्राइववे से दूर खींचा, उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, जैसे कि मैं बात मान लूं या फिर जैसे मैं कोई अपराधी बात कर रही हूं। नहीं, मैंने जोर देकर कहा, उसकी आंखें पीली चमकी। बेला, प्लीज। क्यों? मैंने पूछा। मुझे अब सायरन की आवाज़ आने लगी थी। क्या तुम वादा करते हो कि तुम मुझे बाद में सब कुछ बताओगे? ठीक है, उसने चिढ़ भरी आवाज़ में कहा। ठीक है, मैंने गुस्से में दोहराया। 6 आपातकालीन डॉक्टर और 2 टीचर, मिस्टर वार्नर और कोच क्लैप ने मिलकर वैन को इतनी दूर हटाया कि स्ट्रेचर लाया जा सके। एडवर्ड ने कहा कि स्ट्रेचर की कोई ज़रूरत नहीं और मैंने भी उसकी इस बात में साथ दिया, पर उस गद्दार ने उन्हें बता दिया कि मुझे सर पर चोट आई है और मेरा सर चकरा रहा है। मैं तो शर्म के मारे मर ही गई जब मेरी गर्दन पर पट्टा लगाया गया।
ऐसा लग रहा था मानो पूरा स्कूल वहां था और शांति से ये सब देख रहा था कि कैसे मुझे एम्बुलेंस के पीछे बिठाया जा रहा है, जबकि एडवर्ड आगे बैठा था। ये तो गुस्सा दिलाने वाली बात थी। स्थिति और बिगड़ गई जब चीप स्वान वहां पहुंच गए, इससे पहले कि मुझे वहां से सुरक्षित ले जाया जाता। बेला, वो तकलीफ में चिल्लाए जब उन्हें एहसास हुआ कि स्ट्रेचर पर मैं थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ चार डैड, मैंने आ भरी, मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं है। वो सबसे पास वाले आपातकालीन डॉक्टर की तरफ मुड़े ताकि ये सुनिश्चित कर सकें कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं। मैंने अपने दिमाग में दुर्घटना की तस्वीरों को लाने की कोशिश की। जब उन्होंने मुझे गाड़ी से दूर हटाया था तो मुझे उस गहरे रंग की गाड़ी के बम्पर पर गड्ढा दिख गया था, ठीक उसी आकार का जितना कि एडवर्ड का कंधा था, जैसे कि उसने गाड़ी को अपने कंधे से दूर रखने की कोशिश की थी, वो भी इतनी तेज कि गाड़ी में गड्ढा हो गया। और वहाँ उसका परिवार था, दूर से देख रहा था जैसे कि वो उसे इस बात की अनुमति ना दे रहे हों, पर उनके चेहरों से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन्हें चिंता हो कि उनके भाई को चोट ना लग जाए। मैंने दिमाग पर जोर डाला और कोई लॉजिकल हल खोजने की कोशिश की कि इन सब चीज़ों का आखिर क्या मतलब हो सकता था, और कोई सबसे सही जवाब मिला तो ये कि मेरा अनुमान पागलपन भरा था। ये तो पक्की बात थी कि एक पुलिस वाले को हॉस्पिटल तक जाना था। मुझे बहुत ही गंदा महसूस हो रहा था कि पूरे समय मुझे इतने लोग मिलकर एम्बुलेंस से उतार रहे थे या फिर इमरजेंसी में ले जा रहे थे, और एडवर्ड तो आराम से फिसलता हुआ खुद चलकर जा रहा था। मैंने अपने दांत भींच लिए। उन्होंने मुझे इमरजेंसी रूम में रखा। ये एक लंबा कमरा था जिसमें लाइन से पलंग रखे थे जो कि पर्दों से अलग किए गए थे। एक नर्स ने ब्लड प्रेशर देखने के लिए मेरे हाथ में पट्टा लगाया और मुंह में थर्मामीटर लगा दिया, क्योंकि किसी ने भी इतनी जहमत नहीं उठाई कि पर्दे लगा दें ताकि मुझे थोड़ी प्राइवेसी मिले। मैंने तय किया कि मुझे ये मूर्तापूर्ण पट्टा नहीं पहने रखना है। जब नर्स दूर गई, मैंने फटाक से पट्टा खोला और उसे बिस्तर के नीचे फेंक दिया। तभी हॉस्पिटल में एक और बार हलचल हुई। एक और स्ट्रेचर लाया गया और मेरे बिस्तर के पास रख दिया गया। मैंने पहचान लिया कि ये टायलर कैरोली है, जो कि मेरे सरकारी क्लास में था। वह खून से लथपथ था और उसके सिर पर पट्टी बंधी थी। टायलर मुझसे 100 गुना ज्यादा खराब हालत में दिख रहा था, पर फिर भी वो उत्सुकता से मेरी तरफ देख रहा था। बेला, मुझे माफ कर दो। मैं ठीक हूँ टायलर, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है, तुम ठीक तो हो? जब हम बात कर रहे थे तो कई नर्स अपने हाथ में बैंडेज लेकर आने लगी और उसके सिर पर लपेटने लगी। उसने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं बहुत तेज चला रहा था और मैंने बर्फ को गलत तरीके से टक्कर मार दी थी, उसने आ भरी जब एक नर्स ने उसके चेहरे की चोट को हल्के से दबाया। ओह, मेरी चिंता मत करो, तुम चूक गए थे। तुम वहां से इतनी जल्दी कैसे बच के निकल गई? एक पल पहले तो तुम वहां थी और दूसरे पल गायब। एडवर्ड ने मुझे खींच लिया था। वो थोड़ा कंफ्यूज दिखा। कौन? एडवर्ड कॉलिन, वो मेरे पास ही खड़ा था। मैं हमेशा से बहुत बुरी झूठ बोलने वाली रही हूँ, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी विश्वास दिलाने लायक नहीं लग रही थी। कॉलिन, मुझे तो वहां नहीं दिखा था। वाओ, वो काफी तेज रहा होगा मेरे ख्याल से, क्या वो ठीक है? मेरे ख्याल से वो यहीं कहीं है, पर उसे स्ट्रेचर पर नहीं लाया गया। मुझे पता था कि ये मेरी कल्पना नहीं थी, वहां जो कुछ भी हुआ था, पर मैं पागल नहीं हूँ, पर इसे समझाने का कोई तरीका भी नहीं था। उसके बाद वो लोग मुझे स्ट्रेचर पर ही एक्सरे रूम ले गए। मैंने उनसे कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं सही साबित हुई, कुछ भी नहीं था। मैंने पूछा क्या मैं जा सकती हूँ, पर नर्स ने मना कर दिया और कहा उसे पहले डॉक्टर से बात करनी होगी। तो मैं आपातकालीन कमरे में फंसी हुई थी और टायलर मुझे लगातार परेशान कर रहा था अपने माफियों से और वादों से। मैंने उसे बहुत बार कहा कि मैं ठीक हूँ, पर वह खुद से नाराज मुझसे माफी मांगता रहा। आखिरकार मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, पर फिर भी वो माफियां बड़बड़ाता रहा। क्या वो सो रही है? एक मधुर आवाज आई। मैंने अपने आंखें खोली। एडवर्ड मेरे बिस्तर के पास पैरों की तरफ खड़ा था। मैंने उसकी तरफ देखा। ये आसान नहीं था, घूरना शायद ज्यादा आसान होता। हे एडवर्ड, मुझे सच में माफ कर देना, टायलर ने कहना शुरू किया। एडवर्ड ने एक हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। कोई खून नहीं बहा, कोई नुकसान नहीं हुआ, उसने कहा और अपने सफेद दांत दिखाए। वो मुड़कर टायलर के बिस्तर के कोने में बैठने चला गया और मेरी तरफ देखने लगा और मुस्कुराने लगा।
तो क्या निर्णय लिया गया? उसने मुझसे पूछा। मेरे साथ कोई गड़बड़ नहीं है, पर वो मुझे जाने नहीं दे रहे, मैंने शिकायत की। तुम इन सब झंझट से कैसे बच निकले? इससे बहुत फर्क पड़ता है कि तुम किसे जानते हो, उसने जवाब दिया। पर चिंता मत करो, मैं यहाँ खुशखबरी लेकर आया हूँ। और तभी एक डॉक्टर अंदर आए और मेरा मुंह खुला रह गया। वो जवान थे, उनके सुनहरे बाल थे और किसी भी मूवी स्टार से ज्यादा हैंडसम थे जिसे मैंने कभी देखा हो। वे पीले थे, थोड़े थके लग रहे थे और उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। जैसा कि चार्ली ने बताया था, ये पक्का एडवर्ड के पिता थे। तो मिस स्वान, डॉक्टर कॉलिन ने आकर्षित करने वाली आवाज में कहा, अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, मैंने कहा, और उम्मीद की कि ये बात मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। तुम्हारे एक्सरे तो ठीक लग रहे हैं, क्या तुम्हारे सिर में दर्द हो रहा है? एडवर्ड ने कहा था कि तुम्हें काफी तेज चोट आई थी। ये ठीक है, मैंने फिर दोहराया और एडवर्ड की तरफ गुस्से से घूर कर देखा। डॉक्टर के ठंडे हाथ मुझे मेरे सर पर महसूस हुए। उन्होंने देख लिया जब मैंने आह भरी। दर्द हो रहा है? उन्होंने पूछा। नहीं, इतना नहीं, मैंने इससे ज्यादा दर्द झेले हैं। मुझे हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, एडवर्ड मुस्कुरा रहा था। मेरी आंखें छोटी हो गई। अच्छा, तुम्हारे पिता वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, तुम उन सबके साथ घर जा सकती हो। पर तुम वापस आना अगर चक्कर आए या आंखों में या कहीं और कोई तकलीफ महसूस हो तो। क्या मैं फिर से स्कूल नहीं जा सकती? मैंने पूछा और सोचने लगी कि चार्ली कैसा बर्ताव करेंगे। मेरे ख्याल से तुम्हें आज आराम करना चाहिए। मैंने एडवर्ड की तरफ देखा। क्या ये स्कूल जाएगा? आखिर किसी को तो खुशखबरी फैलानी होगी ना कि हम सब बच गए, एडवर्ड ने चालाकी से कहा। दरअसल, डॉक्टर कॉलिन ने सुधारा, ऐसा है कि पूरा स्कूल ही वेटिंग रूम में है। ओह नो, मैंने करहा कर कहा और अपने चेहरे को अपने हाथों में छिपा लिया। डॉक्टर कॉलिन ने अपनी भुहें उठाकर कहा, क्या तुम रुकना चाहती हो? नहीं, मैंने अनुरोध किया और बिस्तर से उतरने की कोशिश करने लगी। जल्दबाजी के चक्कर में मैं लड़खड़ा गई। डॉक्टर कॉलिन ने मुझे वक्त पर संभाल लिया। वो चिंतित दिख रहे थे। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। मैं उनको अपना बैलेंस प्रॉब्लम नहीं बताना चाहती थी कि मेरा लड़खड़ाने का मेरे सिर पर लगी चोट से कोई लेना देना नहीं है। अपने चोट पर लगाने के लिए ये टीलेनॉल ले लो, उन्होंने मुझे सुझाया। अरे, इतनी ज्यादा नहीं लगी है, मैंने कहा। ऐसा लगता है फिर तो तुम सच में बहुत खुशकिस्मत रही, डॉक्टर कॉलिन ने कहा और मुस्कुराते हुए एक पेपर पर साइन कर दिया। हाँ, एडवर्ड जो पास में खड़ा था, मैंने ताना मारते हुए कहा और उसकी तरफ घूर कर देखा। ओह हाँ, सही बात है, डॉक्टर कॉलिन ने सहमत होते हुए कहा और उन पेपरों की तरफ देखने लगे जिनका अब उनके सामने ढेर लग चुका था। फिर उन्होंने दूसरी तरफ टाइलर को देखा और उसकी तरफ बढ़ गए। मुझे आभास हो गया था कि वे क्या बोलने वाले हैं। मुझे डर है टाइलर, पर तुम्हें हमारे साथ यहाँ थोड़े ज्यादा समय रुकना पड़ेगा, उन्होंने टाइलर से कहा और उसके चोटों को ध्यान से देखने लगे। जैसे ही डॉक्टर की पीठ मेरी तरफ मुड़ी, मैं एडवर्ड की तरफ मुड़ी। क्या मैं तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ? मैंने अपनी सांस के नीचे से फुफकार कर कहा। वो एक कदम पीछे हट गया और अचानक उसने दांत भींच लिए। तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे हैं, उसने कहा। मैंने डॉक्टर कॉलिन और टाइलर की तरफ देखा। मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो, मैंने जोर से कहा। उसने मेरी तरफ देखा और फिर मेरी तरफ पीठ करके लंबे रूम में जाने लगा। मुझे लगभग उसके पीछे दौड़ लगानी पड़ी ताकि उसके बराबर चल सकूं। जब हम कमरे के कोने में पहुंचे, उसने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया। तुम क्या चाहती हो? उसने ऐसी आवाज में पूछा जैसे वो चिढ़ गया हो। उसकी आंखें ठंडी लग रही थीं। अचानक वो फिर से पहले दिन जैसा बिना दोस्ताना जैसा लगने लगा था। मेरी आवाज उससे कम कॉन्फिडेंस से बाहर आई जिसकी मुझे उम्मीद थी। तुम पर मेरा जवाब देना अब भी उधार है, मैंने उसे याद दिलाया। मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हारा मुझ पर कोई कर्ज नहीं है, मैंने हैरानी से उसे देखते हुए कहा। तुमने वादा किया था। बेला, तुम्हारे सिर पर जोर से चोट आई है, तुम्हें पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, उसने अजीब आवाज में कहा। मेरा पारा चढ़ने लगा था। मैंने गुस्से से देखते हुए कहा, मेरे सिर में कोई गड़बड़ नहीं है, उसने मुझे घूरते हुए कहा। तुम आखिर चाहती क्या हो बेला? मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, मैंने कहा। मैं यह जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए झूठ क्यों बोल रही हूँ।
तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ था? उसने चिढ़कर कहा। न चाहते हुए भी मेरे मुंह से निकल पड़ा, मुझे बस ये पता है कि तुम मेरे आसपास नहीं थे। टाइलर ने भी तुम्हें नहीं देखा था, इसलिए ये मत कहना कि मेरे सिर पर जोर से चोट लगी है। वो वैन हम दोनों को कुचलने वाली थी, पर उसने ऐसा नहीं किया और तुम्हारे बाएं हाथ से उस गाड़ी पर गड्ढा हो गया था और तुम्हारे कंधे से दूसरी गाड़ी पर भी, और तुम्हें जरा सी चोट तक नहीं आई। और उस वैन से मेरे पैर का कचुम्बर बनने वाला था, पर तुमने उसे ऊपर उठा रखा था। मेरी बात पागलपन भरी लग रही थी और मैं आगे नहीं बोल पाई। मैं इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि मैं अपने आंसुओं को निकलने से नहीं रोक पाई। मैंने दांत भींच कर कोशिश की कि वो आंसू वापस चले जाएं। वो मेरी तरफ घूरता रहा, पर उसके चेहरे पर चिंता दिख रही थी। तुम्हें लगता मैंने वैन को उठा रखा था? उसने अजीब सी सवालिया आवाज में कहा, पर उससे मुझे और शक होने लगा। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही काबिल एक्टर कोई डायलॉग बोल रहा हो। मैंने हाँ में सिर हिलाया, मेरे जबड़े ठोस हो गए थे। कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, तुम जानती हो, उसने कहा। मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं, मैंने धीरे से कहा और अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की। उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, मैंने कहा। मुझे झूठ पसंद नहीं, तो मुझे उसके लिए एक अच्छी वजह चाहिए कि आखिर मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ सबसे। क्या तुम सिर्फ मुझे शुक्रिया अदा कर ये सब खत्म नहीं कर सकती? थैंक यू, मैंने कहा और इंतजार किया कि वह कुछ बोले। तुम यह नहीं छोड़ने वाली है ना? नहीं, तो फिर इस मामले में तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। हमने शांति से एक दूसरे की तरफ घूरा। मैं ही वो पहली थी जिसने शांति तोड़ी और खुद को मुद्दे पर केंद्रित किया। मैं खतरे में थी कि कहीं मैं डिस्ट्रैक्ट न हो जाऊं उसके परफेक्ट चेहरे पर। ये तो किसी देवदूत के चेहरे की तरफ देखने जैसा था। तुम्हें आखिर किस चीज की परवाह है? मैंने गुस्से से कहा। वो रुका और एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसके परफेक्ट चेहरे पर कुछ अलग भाव आ गए थे। मुझे नहीं पता, उसने फुसफुसा कर कहा और फिर मुड़ा और दूर चला गया। मैं इतने गुस्से में थी कि मुझे कुछ मिनट लग गए कि मैं हिल सकूं। जब मैं चलने लायक हुई, मैं दरवाजे से बाहर निकलने लगी। वेटिंग रूम तो उससे ज्यादा बुरी हालत में था, जिसका मुझे डर था। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं फॉक्स में जितने लोगों को जानती हूँ वो सभी वहां थे और मेरी तरफ देख रहे थे। चार्ली भाग कर मेरे पास आए और मैंने अपना हाथ ऊपर कर दिया। मुझे कुछ नहीं हुआ है डैड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कहा। मैं भी गुस्से में थी और किसी से भी बात करने के मूड में नहीं थी। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कॉलिन ने देखा मुझे और कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और घर जा सकती हूँ, मैंने आह भरते हुए कहा। माइक और एरिक सभी वहां थे और इससे पहले कि वो पास में आए, मैंने कहा चलिए चलते हैं। चार्ली ने अपना हाथ मेरी पीठ की तरफ किया और मुझे संभाला या पकड़ा नहीं, और रास्ता बनाते हुए मुझे शीशे के दरवाजे से बाहर ले जाने लगे। मैंने हल्के से अपने दोस्तों की तरफ हाथ हिला दिया ताकि उन्हें पता चल सके कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वो चिंता न करें। मुझे बहुत राहत का एहसास हुआ। एक तरह से यह पहली बार ऐसा महसूस हुआ जब मैं क्रूजर में बैठी। हमने शांति से यात्रा की। मैं अपने ख्यालों में इतना खोई हुई थी जैसे भूल गई थी कि चार्ली भी वहां पर थे। पर मुझे यकीन था कि एडवर्ड का ऐसा व्यवहार इस बात की पुष्टि करता था कि मैं उसके बारे में सही थी। मैंने जो कुछ अजीब देखा था वो सब सच था। जब हम घर पहुंचे, चार्ली ने आखिरकार कहा, तुम रेनी को कॉल कर लेना। उन्होंने अपराधी भाव में सिर झुका लिया। मैं दहशत में बोल पड़ी, आपने माँ को बता दिया? सॉरी, मैंने भड़ाम से क्रूजर का दरवाजा बंद किया। मेरी माँ दहशत में होंगी यकीनन। मुझे उन्हें कम से कम 30 बार बताना पड़ा कि मैं ठीक हूँ, तब जाकर वो शांत हुई। वो मुझसे कहने लगी कि मैं घर आ जाऊं, ये भूलते हुए कि घर तो खाली होगा। पर उनके अनुरोध का अस्वीकार करना उससे ज्यादा आसान था जितना कि मैं उम्मीद कर रही थी। मैं एडवर्ड के रहस्य को जानने के लिए बेताब थी। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, मुझे फोक से जल्दी जाने की बेताबी होनी चाहिए थी, जो कि किसी भी साधारण नॉर्मल ठीक दिमाग वाले इंसान को होती। मैंने निर्णय लिया कि मैं आज बिस्तर पर चली जाऊंगी। चार्ली मुझे चिंता से देखते रहे और ये बात मुझे गुस्सा दिला रही थी। मैं रस्ते में रुकी और 3 टीलेनॉन बाथरूम से ले लिया। उनसे सच में मुझे राहत मिली और मेरा दर्द कम हो गया। मुझे नींद आने लगी। ये वो पहली रात थी जब मुझे एडवर्ड कॉलिन का सपना आया।